आदेश जारी किया है साउंड को कम करना है, आप राजी हैं इससे? नहीं, इससे राजी नहीं है। नहीं राजी हैं? जो है शुरू से बचपने से अभी से नहीं है। जी, मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें हैं लाउड स्पीकर की और हम मीटर में चेक करेंगे, साउंड मीटर है और इसमें आप साउंड चेक कर सकते हैं। ये अस्सी से ऊपर डेसिबल दिखा रहा है, हालांकि इसमें मेरा भी साउंड है लेकिन 80 डेसिबल के ऊपर ये साउंड बताया जा रहा है। तो ये ऐप में हमने आपको दिखाया, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। आपको लगता है ये साउंड पोल्यूशन है? सरकार ने आदेश जारी किया इस साउंड को कम करना है, आप राजी हैं इससे? नहीं, इससे राजी नहीं है। नहीं राजी हैं? जो है शुरू से बचपने से अभी से नहीं है। जी जी, जो लोग यहाँ पर हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, जो साउंड है ये 80 डेसिबल के ऊपर का साउंड अभी वर्तमान में हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें एक बात ये भी है कि सरकार की ओर से जो नॉर्म्स तैयार किया गया है रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरिया के अलग अलग हैं, तकरीबन 60 डेसिबल तक कमर्शियल एरिया में अलाउड है लेकिन ये जो साउंड है ये 80 के ऊपर है और इसीलिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, मोहन यादव ने ये निर्देश जारी किए मुख्यमंत्री बनते ही कि इस साउंड पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा ये जो स्पीकर्स लगे हैं मस्जिद के ऊपर, हालांकि केवल एक किसी धर्मस्थल को लेकर हमारा कोई टारगेट नहीं है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मंदिर, मस्जिद, तमाम वो सार्वजनिक स्थान जहाँ पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो सरकार की रडार पर हैं, जाँच के दायरे में हैं और कलेक्टर की ओर से भी ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में सभी धर्मस्थलों को सभी धर्मगुरुओं से बात करके ये तय किया जा रहा है कि जो साउंड है उसको कंट्रोल में रखा जाए ताकि किसी आम जनता को तकलीफ ना हो और इसके दायरे में सभी धर्मस्थल, सभी सार्वजनिक स्थान, सभी डीजे और सभी ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों की आवाजाही होती है। तो ऐसे में अगर साउंड पॉल्यूशन बढ़ता है तो इसको लेकर के सरकार सख्ती दिखा रही है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से दिखा रही है।